हाय सो हम क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं अभी। हमने मीनवाइल ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था वो था इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हमने इंडिया के कोऑर्डिनेट्स, इंडिया की लोकेशन, इंडिया के नेबर्स, इंडिया के स्टेट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पता किया था। सेकंड था अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया कितने डिवीजन्स में डिवाइडेड है फिजियोग्राफिक, वी गॉट टू नो अबाउट दैट। देन थर्ड चैप्टर जो था वो था ड्रेनेज। इसमें हमने इंडिया की रिवर्स, इंडिया के लेक्स, पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स, इनके बारे में हमने स्टडी किया। देन फोर्थ चैप्टर जो हमने पढ़ा वो था इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट क्या होता है, इंडिया के सीजन्स क्या होते हैं, इंडिया में मानसून कैसे आता है, जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट अस स्टार्ट। सी दिस इज चैप्टर नंबर 5। नेचुरल, नेचुरल मीन्स नेचर, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, और वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स। इसको हम बोलते हैं फ्लोरा और इसको हम बोलते हैं फौना। तो हम अब जानेंगे इंडिया के फ्लोरा और इंडिया के फौना के बारे में। सी हमारा अप्रोच सेम होने वाला है, हम हर लाइन पढ़ेंगे और हर वर्ड को पढ़ेंगे, बिकॉज ये जो एनसीईआरटी है यू वुड रियलाइज बाय द टाइम हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और बाकी दो तीन बुक्स और पढ़ लेंगे कि ये जो 9th to 12th की जो एनसीईआरटीज हैं ये आपका फाउंडेशन है। यू आर इन स्कूल, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई एम टेलिंग यू, बी इट बिगिनर्स लेवल और दी एडवांस्ड लेवल इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल, सारा जो मैटर आता है वो इधर से ही आता है। हर वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है इस बुक की। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ये टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। एनसीईआरटीज आर गोल्ड माइंस, हम इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं। एंड ट्रस्ट दीज एनसीईआरटीज, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सॉलिड फाउंडेशन बनेगी और एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा होगा। ऑल राइट, सो वॉट यू डू कि आप भी इसे साथ में पढ़िए और अपनी जो पर्सनल कॉपी है उसमें भी आप नोट्स बनाते चलिए। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट विद रिविजन। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट। हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज, पेड़, बुशेज, झाड़ियाँ, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल? आर दे सिमिलर और देर आर वेरिएशंस? सी आप राजस्थान में हो तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगा। आप वेस्ट बंगाल में हो वहाँ पे एक वेजिटेशन डिफरेंट होगा। इफ़ यू आर इन उत्तराखंड और हिमालय स्टेट में हो देन अगेन वहाँ पे वेजिटेशन डिफरेंट होगा। सो आर दे सिमिलर और देर आर वेरिएशंस? इंडिया बींग अ वास्ट कंट्री, इंडिया हमने देखा था ना इतना बड़ा वास्ट है, 30 degree ऐसा है, 30 degree ऐसा है लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सो कैन यू इमेजिन द टाइप ऑफ बायो फॉर्म्स, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग फॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री? सी अवर कंट्री इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज, ऐसे इन्होंने बना रखा है कंट्रीज का एक। तो इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्री है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कितने हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर तो है और वो बहुत डाइवर्स है। जैसे कि इक्वेटर जो होती है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होता है, यहाँ बहुत बायोडाइवर्सिटी होती है। आप रेन फॉरेस्ट किसे बोलते हैं ओशन का, कोरल रीफ्स, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो कंडीशन क्या है बायोडाइवर्सिटी की, कंडीशन ये है कि वहाँ पे बायो भी होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी होना चाहिए, नंबर ऑफ स्पीशीज शुड बी वेरी हाई। सो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्पीशीज की, 47,000 प्लांट्स की स्पीशीज है और 10th प्लेस है इन द वर्ल्ड, 4th इन द एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। अराउंड 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें फूल निकलता है, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब कंट्री में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि इनके नाम क्या होते हैं, फर्न्स, एल्गे, हैव यू सीन एल्गे एंड फंजाई, ये फ्लावर नहीं आता है बट दे आर प्लांट्स। सो इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स दीज आर फौना, एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश, फिश भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, फ्रेश भी है और मरीन वाटर, फ्रेश मतलब नीचे इनलैंड में है, फ्रेश वाटर लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा, और मरीन मतलब ये समुद्र में मिलती है। सो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच इज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाई ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये अपने आप प्लांट्स निकले, फॉरेस्ट डेवलप
डेवलप हुए और ये प्लांट कम्युनिटी में ह्यूमन डिस्टर्बेंसेज अंटिल नाउ इतना ज़्यादा नहीं था. सो दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन. दीज आर अनटच्ड. तो ये क्या है? वर्जिन वेजिटेशंस है. सो दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फ्रॉम प्लांट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. तो नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होता है जो नेचर ने ग्रो किया है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है. जबकि आप खेती में गेहूँ की खेती है, फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स हैं, ये सब क्या होते हैं? ये वेजिटेशन तो है बट दीज आर मैन मेड, दीज आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन. सो नो द डिफरेंस, नेचुरल वेजिटेशन और दिस इज ह्यूमंस. ऑल राइट. सो डू यू नो द वर्जिन फॉरेस्ट, वर्जिन वेजिटेशन होता है विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब होता है वो लोकल है, एक पर्टिकुलर रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज एंडेमिक. और इंडिजीनस स्पीशीज है ये. बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड आर टर्म्ड एज एग्जॉटिक प्लांट्स. तो एग्जॉटिक का मतलब वो होता है जो बाहर से इंडिया में आए हैं, और एंडेमिक और इंडिजीनस का वो मतलब होता है कि वो प्लांट्स एंड स्पीशीज जो इंडिया में ही हैं, शुरू से इंडिया में ही ग्रोन हुए हैं, डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, तो वो एंडेमिक होंगे, इंडिजीनस होंगे. और एग्जॉटिक मीन्स जो बाहर से आए. फॉर एग्जांपल से सम स्पीशीज जो इंडिया में यूरोपियंस आए थे वो लेके आ गए, सो दीज वुड बी कॉल्ड एग्जॉटिक प्लांट्स. ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. अब जो टर्म फ्लोरा होता है, दैट इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड. सिमिलरली एनिमल्स को हम बोलते हैं फौना. तो रिमेंबर दिस थिंग, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, फौना मीन्स होता है एनिमल्स. सो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर. अब हम देखते हैं कि बायो तो है, बट ये बायो इतना डाइवर्स क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. सबसे प्राइमरी रीजन जो है ना अर्थ में लाइफ का है, वो है ये सन. सन से रेज आती है, जहाँ रेज ज़्यादा आएगी तो सुपरमैन स्ट्रांग हो जाता है सन रेज से. तो सिमिलरली जहाँ रेज ज़्यादा आएंगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, लाइफ ज़्यादा स्ट्रांग होगी. सन रेज ज़्यादा आती है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी. तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, ये इंसोलेशन ही प्राइमरी फॉर्म है एनर्जी का जो अर्थ में लाइफ फॉर्म लाता है. अब दूसरे प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स? पहला होता है रिलीफ. रिलीफ का मतलब जैसे लैंड, लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. ये डायरेक्टली भी अफेक्ट करेगा, इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करेगा. डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन? हैव यू बीन टू अ हिली एरिया? माउंटेन में वेजिटेशन अलग है. प्लेटू मतलब डेक्कन या ऐसा कोई छोटा नागपुर है, यहाँ पे अलग है प्लेटू में. प्लेन मतलब आप गंगा गैंगेटिक प्लेन देखो, यहाँ पे वेजिटेशन अलग है. राजस्थान में अलग है, मौसनराम में, असम में वेजिटेशन अलग है. नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन. फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. अगेन, जो फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पे हम खेती करते हैं. अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो इस तरीके से जो लैंड होती है वो डिटरमाइन करती है कि वहाँ टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसा होगा. सेकेंड जो डिटरमिनेशन होता है वो होता है सॉइल. सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस. सॉइल बेसिकली क्या, एक थिन लेयर है जो अर्थ के सरफेस पे है. ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही प्लांट्स को सस्टेन करती है, होल्ड करके रखती है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. सैंडी सॉइल मतलब रेत ज़्यादा है उसमें. रेत कहाँ पे ज़्यादा होती है? डेजर्ट में ज़्यादा होती है, पानी कम होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे कैक्टस मिलता है, थॉर्नी बुशेज होती है, कांटे होते हैं, ये वेजिटेटिव एडेप्टेशन कर लेता है ताकि इनका वाटर लॉस नहीं हो पाए लीव्स के थ्रू. वाइल वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल, ये कहाँ मिलेंगे आपको? बंगाल, गंगेटा, गंगेटिक जो सुंदरबन एरिया है वहाँ ये सब मिल जाएंगे. यहाँ पे मैनग्रोव मिलेगा, सुंदरी बंस, और डेल्टाइक वेजिटेशन भी होगा यहाँ पे. अब जो हिल के स्लोप्स होते हैं जैसे उत्तराखंड एंड ऑल में देखिए, यहाँ पे डेप्थ ऑफ वॉइल के कारण कॉनिकल ट्रीज होते हैं. यहाँ पे इस टाइप के कॉनिकल ट्रीज होते हैं. इसका एक पर्पज ये भी होता है, जो कॉनिकल होते हैं तो स्नोफॉल होता है तो ये यहाँ पे स्टोर नहीं होता, नीचे आ जाता है कॉनिकल में. सो दैट इज़ वाई वहाँ पे कॉनिकल वेजिटेशन होता है. तो हम ये देखेंगे जो वेजिटेशन है ना ये अडेप्टेशन करता है, हम भी अडेप्ट करते हैं खुद को, तो वेजिटेशन भी खुद को अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू दीज नेचर पैरामीटर. अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट. क्लाइमेट वहाँ का कैसा है? क्लाइमेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर. वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? सी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर. मतलब पानी में, एयर में
नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, मतलब पानी कितना ज़्यादा गिर रहा है, एंड सॉइल कैसी है. सो ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय, अगेन रिमेंबर हिमालय, इन द हिल्स ऑफ पेनिनसुला, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जहाँ पे हाइट 915 मीटर तक हो रही है, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन. सी, वेजिटेशन डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर में. अगर ज़्यादा हाइट है या फिर नॉर्थ में हम लैटिट्यूड ऊपर जा रहे हैं, हमने पढ़ा था ना क्लाइमेटोलॉजी, सो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लग जाता है. सिमिलरली अगर हम एल्टीट्यूड में ऊपर जा रहे हैं, मतलब हाइट ज़्यादा हो रही है, तो अगेन टेम्परेचर कम होने लग जाता है. तो जो इम्पैक्ट हमें लैटिट्यूड में दिखा था, वही इम्पैक्ट हम अगर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो सेम इम्पैक्ट दिखता है अपन को. ये इक्वेटर थी, ये नॉर्थ था, ये साउथ था. तो जो हमने ऐसे देखा था लैटिट्यूड में नॉर्थ साउथ जाने पे, वही सेम हमें दिखेगा ऐसे एल्टीट्यूड ऊपर नीचे होने में. सो इसके अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बाहर सब ट्रॉपिकल, मतलब टूवर्ड्स पोल जा रहे हैं, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन, ऐसे फॉर्म दिखती है यहाँ पे. सो दिस इज पेज नंबर 1. यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेबल है, ये टेम्परेचर के हिसाब से इन्होंने वेजिटेशन के जोन्स बनाए हुए हैं. फॉर एग्जांपल जो ट्रॉपिकल होती है, ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक्स पे होगी, ये अर्थ है ना, ट्रॉपिकल, दिस इज ट्रॉपिकल, तो 24 डिग्री टेम्परेचर होगा. अगेन यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मीन इनका 18 से ऊपर होगा, और यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं होगा, बर्फ टाइप का जो जम जाती है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वो नहीं जमेगा यहाँ पे, फ्रॉस्ट नहीं आएगा. सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक है, इसके परे, इसके परे जो होता है दैट इज सब ट्रॉपिकल. जस्ट अ मिनट, ऑल राइट, सो दिस इज सब ट्रॉपिकल, एंड सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है दिस इज सब ट्रॉपिकल. सब ट्रॉपिकल मीन्स ये ट्रॉपिक्स है, और इसके जो ऊपर परे होता है दैट इज सब ट्रॉपिकल. अब तीसरा होता है टेम्परेट. टेम्परेट का मीनिंग होता है दिस 7 डिग्री टू 17 डिग्री, ये टेम्परेचर टेम्परेट का होता है, और इसका जो मीन टेम्परेचर होता है दैट इज़ -1 टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे फ्रॉस्ट, सम स्नो फॉर्मेशन भी होता है. अल्पाइन का मीनिंग क्या होता है, अल्पाइन का मीनिंग होता है हाइट, तो अल्पाइन वेजिटेशन वहाँ पे आती है जहाँ पे हाइट ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ अल्पाइन वेजिटेशन. All right. So this is the data which has been taken from Environmental Atlas of India, June 2001. Okay. Now, what do you mean by this photo period? Photo means क्या होता है, light. Period मतलब किस light में, किस duration में period है वहाँ पे, sunlight कितने duration की मिल रही है. So the variation in duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day. Okay. तो ये अर्थ है हमारी, है ना, यहाँ अर्थ में जितना सनरेज आ रही है वो सनरेज डिपेंड करेगी कि वहाँ का लैटिट्यूड क्या है, किस लैटिट्यूड पे, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ जाओगे तो सनरेज वर्टिकल आने के बजाय टेढ़ा आएगा, तो वहाँ पे सनरेज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा. तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, किस सीज़न में है, और ड्यूरेशन ऑफ द डे कितना हो रहा है, लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल में 6 मंथ्स तक वहाँ पे रात होती है, विद इन 6 मंथ तक डे होता है. तो ड्यूरेशन ऑफ द डे, सीजन, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे कितने अमाउंट की सनलाइट आ रही है. ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ट्रीज ग्रोज फास्टर इन समर. तो अगेन जितना एनर्जी मिलेगा उतना ही ज़्यादा इनका ग्रोथ होगा. तो जहाँ पे इक्वेटर पे या फिर सन रेज ज़्यादा आ रही हैं, तो ये ट्रीज़ का ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाता है जब समर्स आती है. नाउ ट्राई टू फाइंड इट आउट, वाई आर द सदर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन. हिमालय ये है, इसके जो सदर्न स्लोप्स हैं कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन कवर्ड एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल. ट्राई टू थिंक इन दिस मैनर कि ये जो सन है तो सन रेज किस डायरेक्शन में ज़्यादा मिल रही होंगी. तो सदर्न जो स्लोप्स हैं वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन है इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न स्लोप. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन. व्हाट यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कितना पानी गिर रहा है. इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून. क्लाइमेट में पढ़ा ना, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट. तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है ये ज़्यादातर पानी ये लेके आता है. कब लाता है? जून टू सेप्टेम्बर में. एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, मतलब मानसून आ गया, 1 जून से स्टार्ट हुआ और इंडिया में पूरा मानसून आ गया, फिर ये रिट्रीट होता है, तो वो कहलाता है रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट. ऐसे आ रहा है तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाता है.
एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल. तो जहाँ ज़्यादा पानी गिरेगा वहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी रेन फॉरेस्ट की. नाउ वाई आर द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप. क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था ना, ओरोग्राफिक रेन, इधर से ज़्यादा पानी सब इधर हो जाता है और इधर पानी आता नहीं है. नाउ हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल मतलब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो वापस रीग्रो हो जाते हैं एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. सो देन मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट को, फॉरेस्ट ज़्यादा होता है तो वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है. कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को, फॉरेस्ट की जो रूट्स होती है ये सॉइल को बांध के रखती है तो इससे सॉइल इरोजन होता नहीं है इन ट्रीज़ की रूट्स के कारण. ये रेगुलेट करते हैं स्ट्रीम के फ्लो को, पानी का सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड करती है. लाइवलीहुड, इतने सारे इंडिया में जो लोग हैं वो इन फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल शहद लेना है, लकड़ियाँ जो गिर जाती हैं एट्सेट्रा. देन कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरमिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन. अगेन सिटीज, लुक एट द पीपल हु लिव इन सिटी, दे वॉन्ट टू गो टू दिस फॉरेस्ट एरियाज, वाइल्ड लाइफ एंड ऑल. वाई? बिकॉज दे फाइंड पीस, दे फाइंड सम रिक्रिएशन इन दैट एरिया. सो दे कंट्रोल विंड फोर्सेज एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन. विंड को भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है, फ्रिक्शन नहीं आता है तो बहुत तेजी से बहती है. तो ये जो फॉरेस्ट क्या करते हैं, अगर ये फॉरेस्ट हैं तो ये विंड को भी थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं और रेन्स एंड टेम्परेचर भी इनसे मॉडरेट होता है. देन ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द, ह्यूमस क्या होता है, डेड लीव्स वगैरह जब गिरती हैं तो वो फिर ह्यूमस फॉर्म करती हैं. तो सॉइल में ह्यूमस आता है और शेल्टर करता है वाइल्ड लाइफ, टाइगर्स, लायन, दिस डियर्स, एवरीबडी नीड दिस फॉरेस्ट, उनका घर है वो. सो इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड. इंडिया में कल्टिवेटेड लैंड मतलब जहाँ पर हम खेती करेंगे वो एरिया बढ़ता जा रहा है तो फॉरेस्ट को साफ करके ये खेत में कन्वर्ट कर लेते हैं. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, माइनिंग, अगेन माइनिंग से बहुत फॉरेस्ट लॉस होता है. अर्बनाइजेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है पास्चर का, तो इससे फॉरेस्ट का लॉसेज होते हैं यहाँ पे. देन सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल लोकेलिटी, दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी. नाउ वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस में, अब नेचुरल नहीं है एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स लाइक हिमालय, हिली सेंट्रल रीजन एंड मरुस्थली. यहाँ पे वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज़ बीन मॉडिफाइड, मतलब नेचुरल नहीं है वो, ह्यूमंस ने उसको मॉडिफाई कर दिया है एट सम प्लेसेस और रिप्लेस्ड बाय डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी. सो ह्यूमन बहुत इंटरफियर करता है नेचर में और उसको मॉडिफाई कर देता है. देन दिस इज अगेन द एक्टिविटी, ट्राई टू आंसर दिस. नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर में, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस मैक्सिमम एरिया किस स्टेट में है. नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर एंड व्हाई. सो सी, रिमेंबर एक चीज़ होती है फॉरेस्ट कितना है ना, एरिया वाइज कितना है, और दूसरा होता है कि आपका स्टेट है और उसमें फॉरेस्ट कितना ज़्यादा है. सो दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.5%. अगेन दिस इज एन ओल्डर रिपोर्ट, गेट द डेटा फ्रॉम द न्यूअर रिपोर्ट जो अभी रिलीज हुई है. देन दिस इज अगेन ओल्डर रिपोर्ट है, यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे फॉरेस्ट कवर दिया हुआ है. लेट अस सी अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. अब ये वेजिटेशन है मतलब फॉरेस्ट है, इसका टाइप्स कैसे होते हैं. सी, फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन अवर कंट्री. पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक्स में रहेंगे, एवरग्रीन मतलब इसमें हमेशा ग्रीनरी रहेगी और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है. देन ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट क्या होंगे, ये इसके ट्रॉपिकल में ही रहेंगे. फर्स्ट वर्ड बता रहा है ये ट्रॉपिकल में ही रहेंगे बट ये डेसीडुअस रहेंगे, मतलब एक सीजन ऐसा आएगा जिसमें ये लीव्स अपनी शेड कर देंगे. सो दीज आर कॉल्ड डेसीडुअस. और एवरग्रीन वो होते हैं जो लीव्स, ऐसा नहीं आता है, लीव्स ये भी शेड करते हैं बट एट अ टाइम शेड नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कभी कि फॉरेस्ट में लीव्स नहीं है. सो दीज आर एवरग्रीन एंड दिस इज डेसीडुअस, एक सीजन में ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मतलब ये भी ट्रॉपिक में है बट इधर लीव्स जो हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो गई है. वाई? बिकॉज लीव्स से क्या होता है, पानी का लॉस होता है तो वो उस लीव्स को मॉडिफाई करके एक
थॉर्न बना लेते हैं, तो इससे क्या होता है जो लीव का लॉसेज है वो कम हो जाता है। अब पानी सेव करने के लिए इन्हें कहाँ पे ऐसा काम करना पड़ेगा जहाँ पे ड्राई रीजन्स रहेंगे, तो ये फॉरेस्ट है और ये श्रब्स हैं। देन माउंटेन, माउंटेन राइम्स विद माउंटेन, तो ये कहाँ पर है माउंटेन में। देन मैनग्रूव, मैनग्रूव मीन्स सुंदरी मतलब डेल्टा मतलब वेस्ट बंगाल, सो मैनग्रूव फॉरेस्ट वहाँ पर मिलते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवर मींस हमेशा हरे रहते हैं। ये वहाँ पे हरे होंगे जहाँ पे रेनफॉल अच्छा होगा, जैसे कि वेस्टर्न घाट या फिर आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु। सो दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रहता है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर और इवन अबव, इनकी अगेन हाइट भी ज़्यादा होती है। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ अ लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, तो हमेशा यहाँ पे वार्म भी है मतलब सन रेज भी प्रॉपर आ रही है और पानी भी प्रॉपर मिल रहा है, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स, ये सारे वहाँ पे मिल जाएंगे और ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, काफ़ी सारी लेयर्स में है ये। देर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्री टू शेड देयर लीव्स, एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, सो दैट इज़ वाई ये होते हैं एवर ग्रीन। सी यहाँ पे एक बहुत अच्छा इसका ये फिगर है, ये ग्राउंड लेयर है। सी यहाँ पे ह्यूमस भी है, नीचे डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। सी ये जो लैंड है, सॉइल है यहाँ पे, देन ये कुछ 1.5 मीटर वाली हाइट के हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर 5 मीटर वाली हाइट के हैं, फिर ये यंग ट्रीज हैं। तो सी लेयरिंग हो रही है ना, कुछ यहीं पे ख़त्म हो गए, कुछ आगे ऊपर तक ग्रो हुए, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं यहाँ पे। देन 20 मीटर वाली हाइट हो गई, देन कैनोपी वाली लेयर 40, इमर्जेंट लेयर और ये मैक्सिमम हाइट। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे लेयरिंग बहुत अच्छी होती है इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। नाउ लुक एट दिस अगेन, यहाँ पे क्या है नेचुरल वेजिटेशन, स्टडी द गिवन मैप। सी ये पूरा हमने यहाँ पे दिया है, फर्स्ट जो है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ पे होगा ट्रॉपिक्स में होगा और एवरग्रीन होगा। एक रीजन ये हो गया वेस्टर्न घाट, दूसरा रीजन हो गया ये असम तरफ, ये वाला पूरा जोन, और एक यहाँ पे लक्षद्वीप में थोड़ा था और अंडमान निकोबार में थोड़ा सा था, तो यहाँ पे क्या हुआ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दिस इज ऑल ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। देन माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट अगेन दिस माउंटेन फॉरेस्ट, और ये अरुणाचल और यहाँ सिक्किम में ये माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। देन मैनग्रूव, मैनग्रूव कहाँ पर है, ये एक मैनग्रूव है, मैनग्रूव डेल्टा, एक मैनग्रूव ये है, एक मैनग्रूव ये है, तो मैनग्रूव हमेशा डेल्टा में मिलेंगे, सुंदरबन डेल्टा हो रहा है या कावेरी एंड दिस ऑल महानदी, तो यहाँ पे आपको ये वाले मैनग्रूव डेल्टा मिलेंगे। देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये कहाँ पे होंगे जहाँ पे रेगिस्तान टाइप सिचुएशन हो रही है, पानी बहुत कम है, तो एक ये एरिया हो गया और एक दूसरा ये वाला एरिया हो गया, वन एंड टू यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो गए। तो इस टाइप से एवरग्रीन, डेसिडुअस, माउंटेन, मैनग्रूव, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इंडिया में ऐसे अलग जगह मिलते हैं। अब सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, नो दिस नेम, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, चिंकोना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं कहाँ पे दिस फॉरेस्ट में। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट मिलेगा, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम में मिलता है, वेस्ट बंगाल में, ये वन हॉर्न है, एक टू हॉर्न भी होता है, तो इंडिया में टू हॉर्न नहीं है, वो अफ्रीका में है, यहाँ वन हॉर्न राइनोसोरस है। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ्स, स्कॉर्पियन एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट की, डेसीडुअस मतलब शेड करेंगे लीव्स को एक पर्टिकुलर सीजन में, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया में, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं इन्हें, एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल 200 से 70 सेंटीमीटर। सी रेनफॉल अब थोड़ा कम हो गया है, इक्वेटोरियल में जो ये थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, इसमें ज़्यादा रेनफॉल था, यहाँ थोड़ा कम रेनफॉल है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड डेसीडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन भी शेड कर रहे थे बट एक फिक्स्ड टाइम पे नहीं कर रहे थे, तो वो हमेशा हरे दिख रहे थे, ये हमेशा नहीं होगा, इनमें एक ऐसा टाइम आएगा 6 से 8 हफ्ते का जब यहाँ पे लीव्स ही नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडुअस, एक मॉइस्ट है और एक हो गया ड्राई डेसीडुअस। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज जिस मॉइस्ट मतलब रेनफॉल ज़्यादा होगा 200 से 100 सेंटीमीटर, सो दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सी मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ये फॉरेस्ट ज़्यादा है यहाँ पे। देन
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अलोंग द फुटहिल ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सब डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहा है। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, अगेन वेस्टर्न घाट ऐसा था तो इधर तो आपको एवरग्रीन थे और इधर आपको डेसिडुअस मिलेंगे। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट, अगेन नो दिस वर्ड, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। बंबू मिलता है यहाँ पे, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्पीशीज है जो कॉमनली मिलती हैं। ये ऐसे होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक पर्टिकुलर सीजन पे ये ऐसे पूरी पत्तियाँ पतझड़ आ जाता है यहाँ पे, हिंदी में हम बोलते हैं ना पतझड़, पतझड़ आ जाता है यहाँ पे। ओके, देन द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल 100 टू 70 सेंटीमीटर। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन थे, एक मॉइस्ट था और एक ड्राई था। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी। ये ओपन स्ट्रेचेस में मिलेंगे जिसमें टीक, साल, पीपल, नीम, ये सारे यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, चराई करने के लिए एनिमल्स यहाँ पे आते हैं। इन फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल जो है वो लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट है। ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड, स्टेक्स एंड टॉर्टोइज भी यहाँ पे मिलते हैं। अब तीसरा है वो है थॉर्न। थॉर्न मतलब क्या होता है? कांटे। तो ये वहाँ पे होगा जहाँ पे पानी कम है। यहाँ पे लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। नेचुरल वेजिटेशन थॉर्नी ट्रीज हैं और बुशेज हैं। सो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इन कंट्री का नॉर्थ और वेस्ट मतलब राजस्थान वाला एरिया, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, यहाँ पे भी थोड़े बहुत ये रेन थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम कहाँ पे मिलेंगे? मोस्ट ऑफ देम मिलेंगे जहाँ पे आपका पानी कम है। ये पूरा जो जोन है, दिस इज़ द एरिया, ये वाला जोन और बीच में ये वाला जोन, यहाँ पे आपको मिलेगा दिस ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, नाउ आगे यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रीज हैं वो कौन से हैं? अकेकिया, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टाई, ये इनकी मेन प्लांट स्पीशीज हैं। ट्रीज यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, लॉन्ग रूट्स होती है, अगेन बिकॉज पानी बहुत डीप है तो लॉन्ग रूट्स होगी, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। स्टेम्स जो होती हैं वो सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर होती है। वाटर कंजर्वेशन इनका पूरा गोल, प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ ये होता है कि वाटर को कंजर्व करो बिकॉज वाटर का शॉर्टेज है। लीव्स जो होती हैं वो मोस्टली थिक होती है, स्मॉल टू मिनिमाइज एवोपरेशन, वाटर लॉस नहीं करना है, वाटर गेन ज़्यादा करना है। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरिया। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स हैं रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल। तो सी, ये ऐसे कुछ दिखते हैं। सी, यहाँ पे थॉर्न्स हैं, इतने सारे थॉर्न्स लगे हुए हैं ये कैक्टस में। देन ये जो ट्रीज हैं ये भी इस टाइप से डिजाइन हो गए हैं कि ये एवोपरेशन ज़्यादा नहीं देंगे, इनकी रूट्स बहुत डीप है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर ले आए। देन ये इनका सी स्टेम भी ऐसे डिज़ाइन मॉडिफाई हो गया है कि ये ज़्यादा वाटर लॉसेस नहीं करेंगे, वाटर कंजर्व करके रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। ये माउंटेनियस एरिया में होता है, माउंटेन, माउंटेन, सो डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। नाउ यहाँ पे सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। तो ये बताया था ना, यहाँ अब से अपन टुंड्रा मतलब नॉर्थ में जा रहे हैं या फिर पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे वेजिटेशन चेंज होता है सेम ऐसे ही चेंज होता है अगर अपन एल्टीट्यूड में हाइट ऊपर बढ़ाते जाते हैं। सो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 2000 meters। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज हैं, एवरग्रीन है हमेशा ग्रीन होंगे, ब्रॉड लीफ है और ये ट्रीज हैं सच एज ऑक्स एंड चेस्टनट यहाँ पे प्रीडोमिनेट होते हैं। 1500 to 3000 meters में टेम्परेट फॉरेस्ट है कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज, जैसे कि पाइन, कॉनिफर कोन की तरह शेप होता है, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेडार, तो ये ऐसे करके यहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट रहते हैं यहाँ पे। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, अगेन बिकॉज यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, प्लेसेज हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। हायर एलिवेशन पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी कॉमन है। हाई एल्टीट्यूड पे जनरली मोर देन 3600 meters अबव द सी लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन आ जाती है वहाँ पे। तो और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ये अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन आ जाती है टेम्परेट फॉरेस्ट के रेस्पेक्ट में। इनमें क्या नाम आते हैं? सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स एंड बर्चेज, ये कॉमन ट्रीज हैं दीज फॉरेस्ट के। However, they get progressively stunted as they approach the snow line. मतलब जहाँ पे स्नो बनना चालू हो गया है, स्नो लाइन मतलब ये यहाँ पे स्नो मिलना चालू हो गया है, उसके बाद ये स्टंट हो जाते हैं, they merge into the alpine grasslands. Then
तो सी माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे थे, सी ये कोनिकल है ना, ये कोनिकल है, दिस कोनिकल, और ये ऐसे हाइट में आपको आगे मिलेंगे. अगर आप नॉर्थ हिमालयस तरफ जाओगे यू वुड सी सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट. देन एक्सटेंसिवली बाय ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब. अगेन यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब भी होती है. नोमैडिक ट्राइब क्या होते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं एक जगह, मतलब माइग्रेशन करते हैं वो. दे आर नॉट स्टेशनरी नहीं रहते हैं एक एरिया में, लाइक गुज्जर एंड बकरवाल. ये सीजनल नोमैड भी होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन पे ये ट्रांसह्यूमंस भी करते हैं. एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेस एंड लाइकन्स काई टाइप मिलता है अपार्ट फ्रॉम टुंड्रा वेजिटेशन. नाउ कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पे मिलते हैं वो कश्मीर का स्टैग है, जम्मू एंड कश्मीर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स. ये हमने कल पेपर में देखा था, वाइल्ड आइबेक्स जो हिमालयन आइबेक्स है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम साइबेरियन आइबेक्स. बियर एंड रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स विद थिक हेयर. अब जो नेक्स्ट है वो है माउंटेन फॉरेस्ट, के बाद है मैनग्रूव फॉरेस्ट. दीज आर मैनग्रूव फॉरेस्ट. मैनग्रूव मतलब डेल्टा टाइप जगह पे ये मिलेंगे. ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, कोस्ट एल एरिया में मिलते हैं जहाँ पे टाइड्स आते हैं. टाइड्स क्या होते थे, पानी समुद्र का ऊपर नीचे ऐसे आता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइड, हाई टाइड लो टाइड. ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बोथ सन एंड मून. सो एंड ऑल्सो द रोटेशन ऑफ अर्थ. सो मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. और ये मड और सिल्ट कहाँ से आ रही थी, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स लेके आ रही थी इन्हें मड एंड सिल्ट. तो जो डेंस मैनग्रूव्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर. अब जो डेल्टा ऑफ द गंगा है, महानदी है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है, वहाँ पे इस टाइप के वेजिटेशंस मिलेंगे. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. सो उनके नाम पे सुंदरबन इसका नाम रख दिया. बन मतलब जंगल, सुंदरी ट्रीज वहाँ पे मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सुंदर सुंदर बंस, सुंदर बंस ऐसे करके नाम पड़ गया वहाँ पे. यहाँ पे और कौन से ट्रीज हैं, पाम, कोकोनट, केवरा, अगर, दे ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा. रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है यहाँ पे, टाइगर फेमस एनिमल है. टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है. सी इस टाइप के होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये शूट सिस्टम हो रहा है इनका. दीज आर ऑल मैनग्रोव फॉरेस्ट. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ प्लांट्स एंड एनिमल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. कैन द ह्यूमन बींग सर्वाइव अंडर सच अ सिचुएशन? नो, एब्सोल्युटली नो. वाई इज बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड वाई शुड इट बी कंजर्व्ड? देन अब बात करते हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट की, मतलब इनकी मेडिसिनल यूटिलिटी होती है. इनको बोलते हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस एंशिएंट टाइम से. तो कुछ 2000 प्लांट्स हैं जो डिस्क्राइब है आयुर्वेदा में और 500 आर इन रेगुलर यूज. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट ने ये 352 मेडिसिनल प्लांट्स दिए, 52 क्रिटिकली थ्रेटेंड है. ये जो रेड लिस्ट है ना, इसमें अकॉर्डिंग टू डेंजर, अवेलेबिलिटी ऐसे करके क्लासीफाई कर रखा है अलग अलग इनको, स्पीशीज को. तो ये क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीशीज, इन सबका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया आता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे. 49 एंडेंजर्ड. तो एक है सर्प गंधा, सर्प गंधा, इससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ये इंडिया में मिलती है. जामुन, जामुन, जामुन राइप फ्रूट, प्रिपेयर विनेगर होता है. देन ये डायोरेटिक भी होता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी ठीक होती है, एंड ये डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है. देन द थर्ड वन इज़ अर्जुन. अर्जुन मीन्स ये लीव्स होती हैं, इससे ईयर एक ठीक होता है और इससे रेगुलेट भी होता है ब्लड का प्रेशर. देन नेक्स्ट इज़ बबूल. बबूल भी क्योर फॉर आई सोर्स, और ये एक टॉनिक की तरह भी काम करता है. नीम, नीम अगेन वेरी कॉमन. नीम क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है. देन तुलसी इज़ अगेन वेरी कॉमन. कफ एंड कोल्ड में बहुत हेल्प होता है तुलसी से. देन दिस इज़ कचनार, ये अस्थमा और अल्सर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. अगर यू नो सम अदर मेडिसिनल प्लांट इन योर एरिया देन ट्राई टू फाइंड देम एज वेल. नाउ दिस इज, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट शोन इन द सी? ये माउंटेन्स टाइप का लग रहा है, तो दिस कुड बी माउंटेन फॉरेस्ट. सिमिलरली डिसिमिलैरिटी, ऑल राइट. सो दीज आर फ्लोरा. फ्लोरा मतलब फॉरेस्ट. ये सारे हमने नेचुरल वेजिटेशंस देखे. कौन कौन से देखे हमने? हमने देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसीडुअस, माउंटेन, मैनग्रूव एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ये इंडिया के मैप में अलग जगह दिए हुए हैं. अब हम बात करते हैं, फ्लोरा के बाद आता है फौना. फौना मीन्स क्या होता है, वाइल्ड लाइफ. सो इंडिया में फ्लोरा भी है और इंडिया में फौना भी बहुत अच्छा है. 90,000 एनिमल स्पीशीज़ हैं, 2,000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स भी हैं,
13% ऑफ वर्ल्ड टोटल है, दिस इज ह्यूज. इंडिया का एरिया ओनली 2.4% था. सो देर आर दीज मैनी स्पीशीज ऑफ फिशेज, वर्ड स्टॉक, 5-8% ऑफ वर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स सब है यहाँ पे. एलिफेंट सबसे मेजेस्टिक बड़ा एनिमल होता है मैमल्स में. दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका, केरला. नो अबाउट एलिफेंट के कौन से प्रोग्राम्स भी हम चल रहे हैं. एलिफेंट आजकल क्यों न्यूज़ में रहते हैं? बिकॉज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. कई बार ये रेलवे लाइन्स को क्रॉस करते हुए दे लूज देयर लाइफ. देन दिस इज वन हॉर्न राइनोसोरस. ये कहाँ पे मिलता है? स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल में मिलता है. केवल यहाँ भी मिलता है कि कहीं और स्टेट्स में भी मिलता है? देन अरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ थार डेजर्ट में हैबिटेट है वाइल्ड एस, जंगली गधे. कैमल्स भी मिलता है यहाँ पे, खरई कैमल्स भी हैं. इंडियन बाइसन्स हैं, नील गाय है, ब्लू बुल है, चौसिंगा है, फोर हॉर्न एंटीलॉप, गजेल है ये. एंड दिस इज डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है. इंडिया में ओनली कंट्री है दैट इज़ बोथ टाइगर्स एंड लायन. इंडिया में टाइगर्स भी हैं और इंडिया में लायंस भी हैं. नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. गिर फॉरेस्ट गुजरात है. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबन एंड वेस्ट बंगाल. यहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं. एंड हिमालयन रीजन. लेपर्ड टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. लेपर्ड्स भी है. ये सब क्या होती है? बिग कैट्स होती है. दीज आर ऑल बिग कैट्स. कैटेगरी में लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, माउंटेन लेपर्ड, इवन हम एक्सटेंड करें तो चीता भी आ जाता है. इंडिया में चीता वाइल्ड इन एक्सटिंक्ट हो गया है इन वाइल्ड, बट हम उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे. सो गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन. लायन भी दो है, एक एशियाटिक लायन है, दिस इज एशियाटिक लायन, और एक अफ्रीकन लायन होता है. सो हिमालयाज हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. अगेन यहाँ पे जितना ज़्यादा ज्योग्राफी डिफिकल्ट होता है वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है इनकी. लद्दाख में फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड में याक रहता है, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स रहता है, तिब्बतन एंटीलोप रहता है, भराल ब्लू शिप होती है ये. एंड देन कियांग है तिब्बतन वाइल्ड एस, एक गुजरात का था और एक ये तिब्बतन वाइल्ड एस है. देन आईबैक्स है, बियर, स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पांडा भी मिलता है यहाँ पे. रिवर्स, लेक्स, कोस्टल एरिया में टर्टल मिलते हैं. हम अक्सर ऋषिकुल्या का नाम सुनते हैं ना, वहाँ पे टर्टल्स आते हैं. क्रोकोडाइल, घड़ियाल ये भी फाउंड होते हैं यहाँ पे. देन टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, एक क्रोकोडाइल होता है, एक घड़ियाल होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? देन ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं. दाचीगाम, वेयर इज दाचीगाम? ये इधर जम्मू में दाचीगाम है. ये राजा जी है, ये कॉर्बेट बहुत पुराना है, ये दुधवा है, दुधवा यूपी. देन इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो ये गोरुमारा है, दिस इज महानदी. ये मनास, ये वेस्ट बंगाल में ये मनास है. असम मनास है, दिस इज काजीरंगा. एंड देन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये हमने चैप्टर वन में देखा था, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ये इंडिया को दो टाइप में डिवाइड कर देती है, ये सब ट्रॉपिकल हो जाता है, ये ट्रॉपिकल हो जाता है ऐसे. देन इसके बाद और कौन से इंपॉर्टेंट है? ये केवला देव घाना है, ये सरिस्का है राजस्थान, दिस इज़ रणथंबोर. ये शिवपुरी है एमपी, दिस इज़ चंद्रप्रभा, दिस इज़ राजगीर. ये गिर है, यहाँ पे वाइल्ड आपको क्या मिलते हैं? लायंस मिलते हैं यहाँ पे. देन ये संजय गांधी, ये कवल, ये पोचारम, ये तडोबा है महाराष्ट्र, दिस इज़ कर्नाटका एमपी. ये क्या है? अर्तुना, गरम, चंदाका, दंपारा, सिमलीपाल उड़ीसा. तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये वाले कुछ वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं. और ये नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी इनमें अगेन प्रोटेक्शन लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है. नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन लेवल हाई होता है, हाईएस्ट लेवल का होता है. यहाँ पे मैन एक्टिविटी एब्सोल्युटली नॉट अलाउड होती है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर्टेन डिग्री अलाउड रहती है. सो दिस इज़ हाउ हमने वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को इंडिया में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अगेन दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. अभी अपन स्टैंडर्ड 9 में है, तो हम स्टैंडर्ड 9 में जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें देख रहे हैं अभी. ओके, देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल होता है. अब देखें बर्ड लाइफ भी इंडिया में बहुत है. पिकॉक बर्ड हमारा, फीजेंट्स हैं, डक्स हैं, पैराकीट्स हैं, तोते, क्रेन्स एंड पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री. सो वी हैव सेलेक्टेड अवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट. वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स. बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी देखे. एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाई नेचर एज मिल्च एनिमल, दुधारू. सो दे ऑल्सो प्रोवाइडेड एज ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स. तो बहुत यूटिलिटी होती है डोमेस्टिकेशन ऑफ दीज एनिमल्स के से हमें मिली है.
फिश अगेन न्यूट्रिटिव फूड होता है, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं क्रॉप्स का, फ्रूट ट्रीज एग्जर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल, एवरी स्पीशीज हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, दिस इज गोल्डन लाइन, हर स्पीशीज का हर पर्सन का एक रोल होता है इन प्ले इन द इकोसिस्टम. देन कंजर्वेशन इज एसेंशियल, मेंशन्ड अर्लियर ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. व्हाई? बिकॉज एंड मैन बहुत डोमिनेट कर रहा है, ह्यूमंस बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, 20 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, फ्यू एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं. मेजर थ्रेट है, हंटिंग तो होती ही है ग्रीडी हंटर्स का कमर्शियल पर्पजेज में. देन हम एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं, एलियन स्पीशीज आ जाती है. सपोज ये एक एरिया था, यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीशीज थी, एक बाहर वाली स्पीशीज यहाँ पे आ गई तो वो इस स्पीशीज को वाइप आउट कर देगी. देन रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं अपन, लैंड अंडर कल्टिवेशन हैबिटेशन रेस्पॉन्सिबल है हम इस इनबैलेंस के. देन टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए, जैसे हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. तो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, नेशनल पार्क देखा, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है अगेन मैन एंड एनिमल एक प्रोग्राम था उसके थ्रू ये बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर्म हुए हैं. बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी नेशनल पार्क्स आ सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टाइगर रिजर्व्स भी आ सकते हैं. सो बायोस्फीयर इज यूजुअली अ बिगर यूनिट. सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक, इनको अपने मैप में देखिए ये सारे, दिस इज योर होमवर्क. सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, नीलगिरी नॉर्थ, नीलगिरी साउथ, देन नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मनास, सिमलीपाल, पचमढ़ी, वेरिस पचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, ये सब कुछ हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी रखे हैं. सारे 18 ही कुछ हैं इसमें से. सो सेव वल्चर टास्क भी एक है, टाइगर प्रोटेक्शन हमने NTCA फॉर्म किया है, राइनो, CBI रणथंबोर टाइगर रिजर्व्स. सो दीज आर सम एक्टिविटी. माइग्रेट करना, माइग्रेटरी क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं. ये भी इंडिया में बहुत पॉपुलर माइग्रेटरी बर्ड्स है. सी ये जो है ना, यहाँ पे ऊपर ठंड ज़्यादा होती है तो विंटर्स में ये सारी स्पीशीज नीचे टूवर्ड्स इंडिया आ जाती है, ऐसे यहाँ पे इस एरिया में, ये इनके पाथ फिक्स है यहाँ पे. तो अक्सर सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ साइबेरिया से यहाँ पे इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स आती है. वन सच प्लेस फेवरेबल इज रन ऑफ कच्छ, एक बहुत फेमस है. देन फ्लैमिंगो आते हैं यहाँ पे, पिंक प्लमेज कम इन थाउजेंड्स टू बिल्ड नेस्ट माउंट्स फ्रॉम द सॉल्टी एंड रेज देयर यंग वंस. तो इंडिया में ऐसे माइग्रेटरी स्पीशीज बर्ड की काफ़ी आती है. रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 18 बायोस्फेयर रिजर्व, नोटेड डाउन, और इनको एक बार मैप में भी देखिए. फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 1992 में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लेके आई कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शेषचलम और पन्ना में. प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को डेडिकेट होते हैं. 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, ये हमने बनाए हैं नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ अवर ओन सर्वाइवल. इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दिस विल हेल्प नॉट ओनली यू बट इफ एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस, देन उनको ये आंसर्स पता लग जाएंगे. सो दिस इज योर होमवर्क. ओके, नाउ दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन. अगर आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो आपको पूरा जो पढ़ा है वो तुरंत रिवाइज हो जाता है. सो ऑलवेज डू एक्सरसाइज, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने चाहिए. ओके, एंड यहाँ पे मैप स्किल्स भी हैं, ये सारे एरियाज आप बताइए. ऑलराइट, सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जाना, हमने जाना कि माइग्रेटरी स्पीशीज बर्ड्स की क्या होती है, देन ह्यूमन के कारण बायोडाइवर्सिटी के कितने लॉसेज हो रहे हैं. ये पूरा एक मैप था, सम वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स थे, सेंचुरीज, बर्ड, नेशनल पार्क. देन यहाँ हमने वाइल्ड लाइफ मतलब फौना के बारे में जाना. देन दीज वर सम मेडिसिनल प्लान. एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन है इस NCERT में, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट अंडर एस्टिमेट NCERT, रीड इट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पूरा देखो. इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, यू वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज, दिस इज द एरिया जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल क्वेश्चन आते हैं. सो रीड दिस थिंग. देन मेडिसिनल, एंड दिस इज मैनग्रोव, देन दिस इज माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव माउंटेन, एंड देन यहाँ पे थॉर्न ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये थॉर्न फॉरेस्ट है. देन अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या है, और ये थे प्रेसिपिटेशन, फोटो पीरियड क्या होता है. देन दिस इज रिलीफ, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर. तो ऐसे करके पूरे इंडिया में
नेचुरल वेजिटेशन भी है और नेचुरल वाइल्ड लाइफ भी है. सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9. अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.